कोरोना से इंदौर शहर के बिगड़ते हालात में स्थानीय प्रशासन और सरकार के साथ न मिलने से एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं हर दिन अस्पतालों में लोगों की सेवा के लिए जा रहा हूं। शहर के मंत्री सांसद विधायक गायब हैं, कलेक्टर एडीएम मेरे फोन नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि मैं सभी से विनती करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। इतना कहते ही विधायक शुक्ला भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी आगे नहीं आ रहे और काम करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला कितना करूं, हालत खराब हो चुकी मेरी, मैं उम्मीद नहीं आ रही है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने बाहर कर दिया, उसके बावजूद मैं लगा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं नोटंकी कर रहा हूँ। मैं नोटंकी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर में जितना हूँ, आप बोले मैं अपने घर में जाऊंगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं और मैं आप देखिए जनता देगी, जनता इसका जवाब देगी। मैं परंतु आज मैं प्रणाम कह रहा हूँ, मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, पर मुख्यमंत्री जी आपको जनता माफ नहीं करेगी, इन दोनों कलेक्टर को माफ नहीं करेगी जो आपकी जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं आप जनता से निवेदन करता हूँ, आप मेरा साथ दे, हम लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेंगे, कमलनाथ जी लड़ाई लड़ेंगे, अदर सचिन वर्मा की लड़ाई लड़ेंगे, परंतु आप इंदौर के इंजेक्शन उत्तर में तो इलाजों का ढेर बनने वाला है और इंदौर बाहर जाएगी नगरी है जो ये माफ नहीं करेगी आप लोगों को, जिन जिनको लाखों करोड़ों जिता रहे एक भी आगे नहीं आ रहा है। मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ, आप मेरा साथ दे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इंदौर को जिताएंगे जिस हमारे जिताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएमएस टीवी, इंदौर।